मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय का वर्चुअली शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम यादव ने कहा कि डॉक्टर हरि सिंह और केंद्रीय विश्वविद्यालय बनने के बाद यहां के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए परेशान होना पड़ रहा था, इसलिए मैंने अपने 100 दिन के कार्यकाल के अंदर ही सागर में रानी अवंतीबाई लोधी राजकीय विश्वविद्यालय की न सिर्फ घोषणा की बल्कि उसका शुभारंभ भी किया, जिसमें इसी सत्र से यहां के विद्यार्थियों की मांग के अनुसार सभी विषय पढ़ाए जाएंगे। इसके बाद जल्दी सागर में राज्य स्तरीय हवाई यातायात की शुरुआत की जाएगी। अब जो आज इतिहास बनने जा रहा है, एक नया इतिहास बन रहा है। पूरे देश के 700 से ज्यादा जिले हैं, लेकिन पूरे देश की तो मालूम नहीं मेरे को, लेकिन ये मध्य प्रदेश के लगभग 55 जिले में एकमात्र जिला बन रहा है सागर, जहां एक नहीं दो दो सरकारी विश्वविद्यालय, भारत सरकार का भी और हमारी सरकार का भी, राज्य सरकार का। ये एकमात्र गौरव अगर किसी को है तो सागर की धरती को है, और उससे बड़ी भाग्य की क्या बात है कि जब हम हमारे विश्वविद्यालय बनाए तो विश्वविद्यालय के नायक कौन होना चाहिए, किनके नाम पे वो नाम रखा जाना चाहिए, आप बताओ किनके नाम पे होना चाहिए। जिनका सूरज अस्त नहीं होता था, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ अपने प्राणों की बाजी लगा करके देश का सम्मान से सिर ऊंचा किया, ऐसी रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर करने की हमारी सरकार ने घोषणा की। विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, ये इसी बात के लिए जाने जाते हैं जहां नई भविष्य की पौध तैयार होती है, जहां हमारे अपने गुरुकुल के माध्यम से सबका अपना आने वाला समय समृद्ध होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार तालियां बजाओ माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए।